जैसे ये आप देख सकते हैं हमारी लेथ मशीन है, ये मशीनों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह बन रहे हैं। ये देखिए ये चाचा हमारे स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं मशीनों के बुक्स वगैरह। ये देखिए हाइड्रोलिक मशीन का फ्रेम खड़ा है, स्ट्रक्चर, दोना पत्तल, चप्पल, जूना, स्क्रबर तीनों में काम आने वाली हाइड्रोलिक मशीनें हमारी बन रही हैं। इनकी प्लेटें रखी हैं सर, ये देखो सर 10 mm मोटी प्लेट लगाते हैं हम लोग ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ये देखिए सर क्रैंकें हैं हमारी जो मशीनों में लगाई जाती है। लगते हैं, सही कह रहे हैं। जो क्रैंक भी आप सारा खुद ही बनाते हैं भैया? सब कुछ पूरा ओवरऑल 100% मैन्युफैक्चरिंग है। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, ये आप देखिए ये पुलियां हैं अलग अलग तरह की, ये सर हमारे मशीन्स के पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स, पहिए वगैरह, हर एक चीज़ हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें खुद बनाई जाती हैं। ये देखिए आपके सामने मशीन बन रही है हमारी, ये सिंगल डाई की मशीनें बन रही हैं, ये सारे फ्रेम मशीनों के बन के खड़े हो रहे हैं सर। तो भैया अपने पास जो मशीनें स्टार्टिंग कितने से स्टार्ट हो जाता है आपके पास? सर हमारे पास 7,000 रुपये से मशीनें स्टार्ट हो जाती हैं और जाके 1-1.5 लाख रुपये तक की मशीनें होती हैं। 7,000 रुपये स्टार्टिंग प्राइस है सर, दोना पत्तल की मशीन, हवाई चप्पल की मशीन, जूना स्क्रबर की मशीन मात्र स्टार्ट है 7,000 रुपये से। आगे जाके इतनी बड़ी मशीन भी है, ये मशीन बनाने की है? बिल्कुल, ये इम्पोर्टेड मशीन है भैया, बाहर की है। तो ये सिर्फ मैंने कानपुर में ही देखा भैया, आस पास ही देखा इस प्रकार की मशीन है भैया। कानपुर में अभी सिर्फ 2 लोगों के पास इस टाइप की मशीन है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बफर शीट बनती है। देखिये दोस्तों बफर शीट आज तक आपने देखा होगा, ऑटोमेटिक पैनल बेस्ड मशीन है। क्या बात है, ये आप देख सकते हैं ये हमारी बफर प्लेटों की कटिंग हो रही है। देखिए दोस्तों क्वालिटी देखिए, बहुत ही कमाल की है। इस प्रकार से बफर शीट जो है आपके यहाँ पूरा रेडी हो रहा है भैया। बफर शीट बन के रेडी हो रहा है। और मशीन एक बार दोबारा दिखाना चाहते हैं भैया, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पूरी लंबी सी मशीन है सर। दोस्तों आज मैं दिल्ली से चलकर कानपुर यूपी में आ चुका हूं। अगर आप लोग दोना पत्तल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लघु उद्योग संबंधित कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे मैन्युफैक्चरर का जहां पर आपको मशीनें, रॉ मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा, फैक्ट्री रेट पर आपको बनते हुए भी दिखाएंगे। तो भैया हमारे साथ है भैया, नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या हाल है? बढ़िया भैया। तो भैया मैं दिल्ली से चलकर कानपुर आपके शहर में आ चुका हूँ। अब जो भी भाई हमारे पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बताए कैसे आप साथ जुड़कर आराम से कर सकते हैं? सर हमारे पास पेपर प्लेट से जुड़ी हर टाइप की मशीन, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे ऑटोमेटिक हो, सेमी ऑटोमेटिक हो, हाइड्रोलिक हो, हर तरह की मशीन हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। हर तरह की मशीनें हम बनाते हैं। रॉ मटेरियल का यूनिट हमारा खुद का पर्सनल है, हम रॉ मटेरियल भी बनाते हैं। कस्टमर आएगा, उनको मशीन भी मिलेगी, रॉ मटेरियल भी मिलेगा, सब लाइव हमारे यहाँ पे कस्टमर देख सकता है कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा चल रहा है। अगर उनको ट्रस्ट हो जाए तब वो हमसे माल बाय करें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है भैया, पूरा देखेंगे आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। थोड़ा सा अपने भैया कंपनी का नाम बताएं और कानपुर में किस जगह आपकी कंपनी है? सर कानपुर में फजलगंज में 4 खंबा कुआं पे BMW शोरूम के सामने हमारी कंपनी है, जो कि श्री शैलम टेक्नोलॉजी के नाम से है। तो भैया अगर कोई आना चाहते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन उतरे या बस अड्डे, आराम से आपके पास आ सकते हैं। हाँ जी, अगर आप रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से आपको हार्डली 15 रुपए लगना है और आप हमारे फैक्ट्री पे आ जाएंगे, डायरेक्ट कन्वेंस मिलता है। अगर आप बस अड्डे से आते हैं तो वहाँ से आपको जरी चौकी होते हुए फजलगंज विजयनगर के लिए कन्वेंस करना है और उसमें 10 रुपए आपको लगेंगे, आप कन्वेंस से आ सकते हैं। क्या बात है। तो दोस्तों अगर आप भैया के साथ जुड़ते हैं तो आपको जो फायदा मिलने वाला है, एक मैन्युफैक्चरर से जुड़ेंगे। मैन्युफैक्चरर जुड़ने से आपको फायदा क्या होगा? आपको क्वालिटी और रेट आपको जो मिलने वाला है मार्केट से बिल्कुल हटके मिलेगा भैया, और सपोर्ट आप तरह से पूरा मिलता रहेगा भैया। बिल्कुल सर, लाइफ टाइम सपोर्ट है, क्योंकि हम चाहते हैं कस्टमर कारोबार करे, वो अच्छा बढ़े, और उनका कारोबार अच्छा बढ़ेगा तो ही हम बढ़ेंगे। क्या बात है। तो चलिए भैया एक एक करके आपकी जो मशीनें हैं, मशीनें देखते हैं, इसके बाद जो आपकी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल भी देखते हैं, पूरा डिटेल से जानते हैं। बिल्कुल सर, आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो भैया अब आपकी ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर सारी मशीनें बन रही है? जी भैया, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लोग बोलते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई दिखाता नहीं है। सर मैं आपको दिखाऊंगा मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस तरह से है, कहाँ पे सेटअप है। आइए मैं आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो आप पूरा एक एक पार्ट बनाते हैं मशीनों का? बिल्कुल सर, हम मशीनों के एक एक पार्ट XYZ, जैसे ये आप देख सकते हैं हमारी लेथ मशीन है, ये मशीनों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह बन रहे हैं। ये देखिए ये चाचा हमारे स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं मशीनों के बुक्स वगैरह। ये देखिए हाइड्रोलिक मशीन का फ्रेम खड़ा है, स्ट्रक्चर, दोना पत्तल, चप्पल, जूना, स्क्रबर तीनों में काम आने वाली हाइड्रोलिक मशीनें हमारी बन रही हैं। इनकी प्लेटें रखी हैं सर, ये देखो सर 10 mm मोटी प्लेट लगाते हैं हम लोग ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना आए।
ये देखिए सर क्रैंकें हैं हमारी जो मशीनों में लगाई जाती है, लगते हैं, सही कह रहे हैं। जो क्रैंक भी आप सारा खुद ही बनाते हैं भैया? सब कुछ पूरा ओवरऑल 100% मैन्युफैक्चरिंग है। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, ये आप देखिए ये पुलियां हैं अलग अलग तरह की, ये सर हमारे मशीन्स के पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स, पहिए वगैरह, हर एक चीज़ हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें खुद बनाई जाती हैं। ये देखिए आपके सामने मशीन बन रही है हमारी, ये सिंगल डाई की मशीनें बन रही हैं, ये सारे फ्रेम मशीनों के बन के खड़े हो रहे हैं सर, प्रॉपर पूरा का पूरा। ये देखिए दोस्तों पूरा, मतलब भैया आप पूरा लाइन से पूरा जो खड़ा कर रखे बनाकर, बिल्कुल सर वर्कशॉप है, बड़े लेवल में मैन्युफैक्चरिंग है, बड़े लेवल पे हम लोग काम करते हैं, ऑल ओवर इंडिया हमारी मशीनें जाती हैं। ये सब आप देख सकते हैं मशीनों के फ्रेम और स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अभी हमारा दशहरे के बाद जो ऑर्डर था वो कंप्लीट हो गया है, दिवाली की जो भी डिलीवरियां हैं वो सब जाने वाली हैं, ये सब उन्हीं के पार्ट्स वगैरह हैं। और आप देख सकते हैं हम मशीनों में हैवी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करते हैं, चैनल लगाते हैं, एंगल बेस्ड मशीन है, चीप एंड बेस्ट, अच्छी मशीन, 10 साल की हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की गारंटी होती है सर, 10 साल की। 10 साल का आप बता रहे हैं, पूरा जो है गारंटी आप दे रहे हैं? जी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की, अगर मेरी मशीन में किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया तो सर मैं पूरी मशीन बदल के नई मशीन दूंगा आपको, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को छोड़ के उनकी 1 साल की गारंटी होती है, मशीन मैन्युफैक्चरिंग की 10 साल की गारंटी होती है सर। सिंगल डाई, डबल डाई, हाइड्रोलिक, हवाई चप्पल बनाने की मशीन, जून एस्टर पैकिंग की मशीन, जो भी आप चाहें सारी मशीनें बन जाएंगी सर। मशीन का क्वालिटी भैया, मटेरियल बहुत आपने हैवी लगा रखा है, एकदम हैवी क्वालिटी मशीन सारी आपके पास है? जी सर हैवी क्वालिटी, लाइट, छोटा, बड़ा, हर तरह के हमारे पास दोनों पत्तल मशीन के सारे काम हो जाते हैं। ये हमारी हाइड्रोलिक, आपकी हाइड्रोलिक मशीन तैयार हो चुकी है? ये हमारी हाइड्रोलिक मशीन तैयार है, आप चाहें तो मैं इसको ट्रायल भी करके दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों आपको हाइड्रोलिक मशीन दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक मशीन है। तो हाइड्रोलिक मशीन में आपके पास क्या क्या वेरिएंट मिल जाएगा ये छोटे बड़े? सर हमारे पास हर टाइप का, आप ये देख सकते हैं ये 6 इंची चैनल लगा हुआ है मशीन पे, 6 इंची चैनल, 6 इंची चैनल, क्या बात है भैया, सही कह रहे भैया, 6 इंची पूरा चैनल लगा हुआ है, 6 इंची चैनल है, 4 इंची का सिलेंडर लगा हुआ है सर, बड़े बड़े बुश लगे हैं, फ्राइबिल बुश वगैरह, माल मटेरियल लगाने में कहीं भी किसी भी तरह की कंजूसी नहीं है आपको। ये मशीन हमारी कंप्लीट है, ये हमारी गोरखपुर जानी है, हम आपको टेस्टिंग ट्रायल करके दिखा सकते हैं। ये देखिए अप डाउन करने पे मशीन अप डाउन हो रही है, ऑटोमेटिक लगाने पे सर ऑटोमेटिक अप डाउन करेगी, 3-in-1 फीचर के साथ है, डबल डाई झोंका लगा के देंगे सर मशीन पे, 2 डाइयाँ इस मशीन से आप चलाइए, बफर प्लेट बनाइए, चप्पल बनाइए, जूना स्क्रबर बनाइए, एक ही मशीन से कई तरह के काम करिए। और भाई जैसे मैं साइज देख पा रहा हूँ, साइज आपने पूरा प्रॉपर दिया हुआ, कोई जो इसमें छिपाने वाला साइज नहीं है? नहीं सर बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज है सर, 26 इंची चौड़ा दे रहे हैं ताकि आपको स्क्रबर की भी पैकिंग हो सके, खड़े मसाले की भी पैकिंग हो सके, दोना पत्तल, बफर थाल वगैरह जो कुछ भी आप, और चप्पल भी पूरा सीट आराम से इसमें काट सकते हैं? बिल्कुल सर पूरी सीट इस पे आ जाएगी, आसानी से कट जाएगी सर, क्या बात है, इसकी मशीन है। तो भैया अपने पास जो मशीन है स्टार्टिंग कितने से स्टार्ट हो जाता है आपके पास? सर हमारे पास 7,000 रुपए से मशीनें स्टार्ट हो जाती है और जाके 1-1.5 लाख रुपए तक की मशीनें होती हैं। 7,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस है सर, दोना पत्तल की मशीन, हवाई चप्पल की मशीन, जूना स्क्रबर की मशीन मात्र स्टार्ट है 7,000 रुपए से सर। ये देखिए हमारी ये मशीनें बन रही हैं, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर, लोग कहते हैं मगर दिखाते नहीं है सर, सही कह रहे सर, दिखा रहा हूँ मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मेरी फैक्ट्री, मेरे यहाँ पे किस तरह मशीनें बनती हैं सर। तो भैया अगर किसी को कस्टमाइज करवाना है मशीनें वगैरह में तो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल सर मशीनें अवेलेबल है हमारे पास, कस्टमर को हल्के से हल्का, भारी से भारी, जिस टाइप की मशीनें चाहिए हर वैरायटी की मशीन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, दोना पत्तल, चप्पल, जूना स्क्रबर से जुड़ी हुई सारी मशीनें आपको सीधे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मिलेगी सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो आप सर। तो भैया आपने मशीनें दिखा दिया, अब इस काम में जो होता है रॉ मटेरियल, बगैर रॉ मटेरियल के इस काम को जो आगे नहीं ले जा सकते है, तो बताए रॉ मटेरियल का आपके पास क्या ऑप्शन मिल रहा है? सर हमारी खुद की रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है सर, क्या बात है, तो मजे की बात है कि हम मशीन भी बनाते हैं, रॉ मटेरियल भी बनाते हैं, कस्टमर को एक ही दरवाजे पे सारा सोल्यूशन मिलेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं अधिक जाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं,
आइए मशीन लीजिए, रॉ मटेरियल लीजिए, बना के मार्केट में काम करिए और पैसा कमाइए सर। तो भैया चलिए अब रॉ मटेरियल भी देख लेते हैं। चलिए सर मैं आपको रॉ मटेरियल भी दिखाता हूँ। आइए बगल में हमारा रॉ मटेरियल की भी फैक्ट्री है, वो भी चल रही है। आइए मैं आपको दिखाऊँ वहाँ पे किस तरह से रॉ मटेरियल बन रहा है। ये तो हमारा मशीनों का सेगमेंट है सर, यहाँ पे हमारी सिर्फ मशीनें बनाई जाती हैं। यहाँ पे हमारा पूरा हर टाइप का रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्या बात है। तो भैया ये जो रॉ मटेरियल है, मशीन तो सारे लोग बेच देते हैं, जो मेन प्रॉब्लम आता है रॉ मटेरियल का आता है प्लेट्स के बिजनेस में। तो आप पास जो मशीनें लगी हुई है, ऐसी मशीनें आज तक मैंने कहीं नहीं देखा होगा रॉ मटेरियल बनाने की। जी भैया हमारे पास रॉ मटेरियल पर स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल आपके पास क्या क्या वैरायटी है भैया? हमारे पास हर तरह की वैरायटी है सर, छोटे साइज से लेके कलर पेपर, सिल्वर पेपर, माइका का बफर प्लेट जो आजकल ट्रेंडिंग है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। आप देख सकते हैं सारी मशीनें इम्पोर्टेड मशीनें हैं, बाहर की मशीनें हैं, अच्छी क्वालिटी का हम माल बनाते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मार्केट में देते हैं। तो भैया सबसे पहले बता दीजिए, मैं ये मशीन देख पा रहा हूँ, बहुत ही यूनिक मशीन है, इस मशीन से कौन सा रॉ मटेरियल बनता है? बफर थाली बनता है इससे। अच्छा बफे प्लेट जो होता है उससे पूरा जो है सीट तैयार होता है एक एक? जी ये कारोगेशन की मशीन है, इसमें बफर प्लेट की शीटों को तैयार किया जाता है, जो रिंकल्स उसके अंदर पड़ते हैं, लाइनिंग पड़ते हैं, वो मटेरियल इससे तैयार होता है। उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं, उन्हीं प्लेट्स को हम इन मशीन में डालते हैं। यहाँ से ये मशीन चलते हुए प्रॉपर आगे जाके, इतनी बड़ी मशीन भी है ये बफे सीट बनाने की है? बिल्कुल, ये इम्पोर्टेड मशीन है भैया, बाहर की है। तो ये सिर्फ मैंने कानपुर में देखा भैया, आस पास ही देखा इस प्रकार की मशीन है भैया। कानपुर में अभी सिर्फ दो लोगों के पास इस टाइप की मशीन है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बफर शीट बनती है। देखिए दोस्तों बफे सीट आज तक आपने देखा होगा, ऑटोमेटिक पैनल बेस्ड मशीन है। क्या बात है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बफर प्लेटों की कटिंग हो रही है। देखिए दोस्तों क्वालिटी देखिए, बहुत ही कमाल की है। बफर शीट बन के रेडी हो रहा है और मशीन एक बार दोबारा दिखाना चाहते हैं। यहाँ पूरी लंबी सी मशीन है सर, पूरा जो है इस तरह के अलग अलग कलर हमारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं रॉ मटेरियल में। इसमें जैसे अभी केला पत्ता है, सिल्वर हो गए, कलरफुल हो गए, सारे कुछ मिल जाएंगे। जी बिल्कुल भैया, अभी ये केला पत्ता और सिल्वर चल रही है सर। क्या बात है, यहाँ पर भी कुछ बन रहे हैं। ये हमारे लेमिनेशन की मशीनें हैं, ये पेपर को लेमिनेट कर रही हैं, जो कलर पेपर कलर दोनों को काफी जगह डिमांड होता है कलरफुल माल जी, उसके लिए मशीन है भैया। बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कलरफुल पूरा माल बन रहा है, इसमें जो भी कलर चाहिए सारा कुछ मिल जाएगा जी में। बिल्कुल, हर टाइप का मल्टीपल कलर में ऑप्शन अवेलेबल है, तरह तरह के सैंपल्स हैं, डिजाइन है। कस्टमर हमारे यहाँ पे आके देख के अपने सैंपल के अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग माल ले सकता है हमारे यहाँ पे। और सबसे खास बात, सबसे रीजनेबल रेट पे सर, इतना बड़ा सेटअप हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल रीजनेबल रेट पे मिले, रीजनेबल रेट पे माल अवेलेबल हो। ये रीजनेबल रेट साथ साथ क्वालिटी, अगर क्वालिटी नहीं होगा अच्छा तो मार्केट में माल आप अच्छे सप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्वालिटी की तो हमारी जिम्मेदारी है, पूरे कानपुर में कोई इस क्वालिटी का, मैं ये कह रहा हूं पूरे कानपुर छोड़िए, पूरे ऑल इंडिया ऐसी जो है मशीनें इस प्रकार से क्वालिटी वाला माल कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल, और कोई भी रॉ मटेरियल मशीनें लेना चाहते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री रेट पे ले सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है, थोड़ी सी और मशीन दिखा दीजिए आपके पास। दिखाता हूँ सर, ये देखिए ये हमारी अलग मशीन है, ये इतने सारे रॉ मटेरियल हमारा बनके तैयार होता जा रहा है, ये सब पार्टियों का डिस्पैच है, ये फिनिश माल रखा हुआ है सब, जो पार्टियों को हमारा ऑर्डर पे डिलीवर होना है। क्या बात है, इसमें सिल्वर पेपर आप बना रहे हैं? जी इसमें सिल्वर पेपर बना रहे हैं, बाकी अभी इसी में से माल बनके ये यहाँ पे लाट का लाट लगा हुआ है। तो भैया आपकी देख लिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पर सारी मशीनें बन रही है, इसके बाद रॉ मटेरियल देख लिया आपको, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप साथ जुड़कर डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर से जुड़कर आराम से अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी इस लाइन में करना चाहते हैं भैया। बिल्कुल सर। तो भैया थोड़ा सा बताइए, जो आपने मशीनें वगैरह दिखाई, इन मशीनों की वारंटी वगैरह आप क्या देते हैं? सर हमारी मशीनें हैं, इसमें हम आपको 10 साल की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वारंटी देते हैं। अगर हमारी मशीन में किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया तो हम आपकी मशीन को वारंटी नहीं गारंटी देते हैं, रिप्लेस करके देंगे सर। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो उसमें मोटर लगे हैं, पैनल लगे हैं, इनकी हम साल भर की गारंटी देते हैं। 1 साल की कंपनी से स्टैंडर्ड आपको वारंटी मिलने वाली है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो गोदरेज और क्रॉम्पटन की मोटर लगाते हैं जो कि कंपनी आपको रिपेयर करके देगी, मतलब ऑन सर्विस पूरा घर पर ही सर्विस मिल जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बाकी सपोर्ट तो आप तरह से पूरा करें 10 साल तक मिलता रहेगा। हाँ जी, सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास ये है कि जब आप मशीन चलाते हैं, मशीन में आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप हमारे यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट के पास वीडियो कॉल करके आप अपनी मशीन के प्रॉब्लम को अपने घर पे ही खुद सीख के और सही कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम आ गई आपकी मशीन पे जिसके लिए आपको लग रहा है नहीं आप नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे टेक्नीशियन को भी बुला सकते हैं, वो आपके घर पे आके आपको सर्विस देगा।
क्या बात है। और ट्रेनिंग वगैरह भाई जी, इसमें मशीन वगैरह चलाना कैसे आप सिखाएंगे लोगों को, अगर कोई आप सर हम अपनी फैक्ट्री में भी डेमो देते हैं कस्टमर को, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपने देखा बल्क क्वांटिटी में मशीनें बनती हैं, हमेशा दो चार मशीनें रेडी टू स्टॉक रहती हैं बनके, कभी भी कस्टमर आ जाए हम उनको मशीन का डेमो दे सकते हैं। यहाँ पे भी ट्रेनिंग देते हैं और कस्टमर को सब कुछ यहाँ से सिखा के भेजते हैं। उसके बावजूद भी अगर कस्टमर को नीड है कि नहीं भैया मुझे एक आध दिन के लिए लड़का भेज दीजिए, तो उसमें माइनर से चार्जेस में वो लड़का आपके घर पे भी जाके आपको ट्रेनिंग देगा। मतलब सपोर्ट आपकी तरफ से हमेशा मिलता रहेगा, चाहे माल बनाने में हो चाहे मशीनों को एक प्रॉब्लम होता है, सारा सपोर्ट आपकी तरफ से मिलता रहेगा। बिल्कुल सर, जिस तरह से व्यापारी बढ़ेगा, छोटा व्यापारी कारोबार करेगा वो बढ़ेगा, तो उससे जुड़ के हम बढ़ेंगे, उसी तरह से हमारा भी कॉन्सेप्ट है सर कि हमारे कस्टमर अच्छी सर्विस पाएं, अच्छी मशीन पाएं और अपने काम को आगे तरक्की पे ले जाएं। क्या बात है। तो दोस्तों आपको इनके यहाँ बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, आप सब कुछ एक मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरर जुड़ सकते हैं, पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्वालिटी वगैरह भी आपको एक नंबर मिलेगा। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को सारी जानकारी बताया, जो भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपसे मिले, जो भी जानकारी चाहते हैं पूरा प्रॉपर उनको आप समझाएंगे भैया। बिल्कुल सर, जो भी कस्टमर आएंगे हमारे पास अपनी सेल्स की टीम है, हमारे पास अपनी टेक्निकल टीम है, हमारे पास मेल फीमेल दोनों स्टाफ है, जो भी कस्टमर आता है उनको प्रॉपर ए टू जेड सारी डिटेल टू डिटेल वाइज सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई जाती हैं, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो ही हम उनको मशीन प्रोवाइड कराते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।